आपके बीच में फिर से एक नया धमाका गाया है बॉम्बे वालों ने, तो किस तरीके से एक गीत बजा फिल्म में और किस तरीके से बजा। क्या मिलिए ऐसे लोगों से और जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे, वो नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। और दोस्तों आज हमारे देश में एक ऐसी बीमारी चल रही है कि इस बात को हमारे तुलसी बाबा भी लिख करके रख गए और हमारे सूरदास जी ने भी लिख दिया है कि 21वीं सदी में कुछ ऐसी बीमारी आएगी कि लोग काफी संख्या में मरेंगे। जय जय। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी लिख दिया था कि हर 100 साल बदलने पर एक नया वायरस पैदा होगा और वायरस से जनता को हानि पहुंचेगी। तो अर्जुन को भी ये उपदेश दिया है। लेकिन दोस्तों कहना क्या है, श्री कृष्ण कह गए अर्जुन से, गजेंद्र बेटा, अरे श्री कृष्ण कह गए अर्जुन से कलयुग असर दिखाएगा, श्री कृष्ण कह गए अर्जुन से कलयुग असर दिखाएगा। बड़े भैया, और कलयुग असर कैसा दिखाएगा? अरे श्री कृष्ण कह गए अर्जुन से कलयुग असर दिखाएगा, मोदी राज करे भारत में जब कोरोना आएगा, मोदी राज करे भारत में जब कोरोना आएगा, हो मोदी राज करे भारत में जब कोरोना आएगा। और दोस्तों मैं इस बात को अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों में लेख मिलता है 21वीं सदी में एक ऐसा वायरस आएगा, ऐसा वायरस पैदा होगा कि देश का राजा भी प्रजा को बचा नहीं पाएगा। तो ये कोई नई बात नहीं हो रही है, हर 100 साल बाद ऐसा वायरस आता है। जे जे। मोदी राज करे भारत में तब कोरोना आएगा, मोदी राज करे भारत में तब कोरोना आएगा। बीमारी आई है, इससे हर कोई लोग घबरा रहा है। सारी दुनिया के अंदर आई कोरोना बीमारी, अरे सारी दुनिया के अंदर आई कोरोना बीमारी, अरे कई लाख इंसान मर गए घबरा रहे हैं नर नारी, कई लाख इंसान मर गए घबरा रहे हैं नर नारी, कई लाख इंसान मर गए घबरा रहे हैं नर नारी, मार मार के लाशों के नर नारी क्यों घबरा रहे शंभू भाई, अरे मार मार के लाशों के ये कैसे ढेर लगाएगा, मोदी राज करे भारत में जब कोरोना आएगा, मोदी राज करे भारत में जब कोरोना आएगा। जय हो।
होगा क्या देश में, केवल ये देखना है आपको। सारे जामे मच जाएगी चारों ओर तबाही है, सारे जहां में मच जाएगी चारों ओर तबाही है। ये मौत मरेंगे दुनिया वाले, कैसे मरेंगे चाचा जी? बेमौत मरेंगे दुनिया वाले, ना इसकी मिले दवाई है। बेमौत मरेंगे दुनिया वाले, ना इसकी मिले दवाई है। और दोस्तों, मेरा तो केवल यही कहना है, अगर ऐसी बीमारी, ऐसा वायरस भी पैदा हो जाए शरीर के अंदर, तो हॉस्पिटल मत जाना, घर में रह करके 2 गज की दूरी बनाना और मास्क लगाना, गर्म पानी पीना और काढ़ा बनाना, आपकी जान बच जाएगी। और अगर हॉस्पिटल में पहुंच गए तो केवल ऑक्सीजन के अलावा, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, आदमी की जान जा रही है, बेमौत मारे जा रहे हैं। अरे सारे जहां में मच जाएगी चारों ओर तबाही है, मौत मरेंगे दुनिया वाले, ना इसकी मिले दवाई है। बे मौत मरेंगे दुनिया वाले, ना इसकी मिले दवाई है। बे मौत मरेंगे दुनिया वाले, ना इसकी मिले दवाई है। अरे राजा भी इन्हें बचा न पाए, राजा भी और पीएम और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सभी जूझ रहे हैं, लेकिन ये बीमारी का वायरस ऐसा पैदा हो गया हमारे देश के अंदर, लाशों की लाश ढेरों के ढेर लग रहे हैं। कहना राजा भी इसे बचा ना पाए, कह रही ऐसा ढाएगा मोदी राज करे भारत में, तब कोरोना आएगा। मोदी राज करे भारत में, तब कोरोना आएगा। जय हो। अर्जुन कलयुग कैसा होगा मैं तुझे बताऊंगा। कोरोना से लोग मरे कुछ, आबादी घट जाएगी। कोरोना से लोग मरे कुछ, आबादी घट जाएगी। और हे अर्जुन, कलयुग के अंदर ऐसा भी होगा, 5500 साल बाद एक ऐसा वायरस पैदा होगा जो कि आज हो रहा है। हो कहना, अरे कोरोना से लोग मरे कुछ, आबादी घट जाएगी। देखो बड़े बड़े शहरों में पीलानी सी छाएगी। देखो बड़े बड़े शहरों में पीलानी सी छाएगी। देखो बड़े बड़े शहर के अंदर, हर गांव के अंदर ऐसी वीरानगी सी छा रही है कि देखा तक नहीं जाता है। लेकिन कहना क्या है, अरे प्रशासन लाशों को भर के, हे अर्जुन कलयुग में क्या होगा, प्रशासन लाशों को भर के एम्बुलेंस में लाएगा। प्रशासन ला
प्रशासन वाले एम्बुलेंस में ला करके ढेरों के ढेर लाशों को जला दिया जाएगा। प्रशासन लाशों को भर के एम्बुलेंस में लाएगा। अरे मोदी राज करे भारत में जब कोरोना आएगा, मोदी राज करे भारत में जब कोरोना आएगा। तो हमको भी रास्ते में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, गांवों में होकर के निकल करके आए, क्योंकि मेरे दिल की भावना थी कि कोई नया संदेश रोहतास यूट्यूब चैनल द्वारा जनता तक एक नया संदेश पहुंचाया जाए, जय जय, तो मेरे आत्माओं को शांति मिलेगी। तो काफी परेशानी जूझ करके शहर भी बंद मिले, गांव भी बंद मिले, लेकिन फिर भी यहाँ आकर के आप लोगों तक की सेवा मैं मौजूद हूँ, जैसा भी टूटा फूटा जानता हूँ आप तक पहुंचा रहा हूँ। और किस तरीके से लेकिन दोस्तों अंतिम बंद में क्या कहना है, अरे धंधे बंद जे होंगे सभी के, धंधे बंद सभी के होंगे और महंगाई मारेगी, वो धंधे बंद सभी के होंगे और महंगाई मारेगी। एक तो ये देश में बीमारी और दूसरी बात जनता के धंधे भी बंद हो गए, और तीसरी बात ये महंगाई इतनी ऊंची हो गई आदमी को रोटी खाना भी दुर्लभ पड़ रहा है। तब मुझे मजबूरी में आकर के मेरी आत्माओं ने गवाही दी, तब मजबूरी में इस लॉकडाउन में भी आकर के आपकी सेवा में मौजूद हुआ और आप तक इस बात को पहुंचा रहा हूं कि होगा क्या, अरे धंधे बंद सभी के होंगे और महंगाई मारेगी, लूट मार होगी शहरों में जनता जोर कर डालेगी, दोबार होगी शहरों में जनता जोर कर डालेगी, दोबार होगी शहरों में जनता जोर कर डालेगी। अच्छा अच्छा जी, ये गलत बात नहीं है, मेरी सत्य बात है। प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया कि फलों की और सब्जियों की दुकान खुली रहनी चाहिए, और डॉक्टर ने लिख दिया कि पपीता और सेब मरीज के लिए, तो सेब 200 रुपए किलो, पपीता 100 रुपए किलो, इस महंगाई को बताओ बीमारी को सही कराए या उसका पेट भरे, आप ही लोग बताओ और आप ही फैसला करो कि होना क्या है। अरे लूट मार होगी शहरों में जनता जोहर दिखलाएगी, अरे लूट मार होगी शहरों में जनता जोहर दिखलाएगी। पिंचू सुभाष और कह रहे रसिया, और रसिया जी क्या कह रहे हैं आपके बीच में, पिंचू सुभाष और कह रहे रसिया रोहतास फिल्म दिखाएगा। इस लॉकडाउन में केवल एक ऐसा ही चैनल है, इसे रोहतास चैनल कहते हैं, जनूतर आप लोगों को नई नई बात पहुंचा रहा है, कहना टिंचू सुभाष ये कह रहे रसिया रोहतास फिल्म बनाएगा, मोदी राज करे भारत में जब कोरोना आएगा, मोदी राज करे भारत में जब कोरोना आएगा।
मोदी राज करे भारत में जब कोरोना बोलिए सबसे दरबार की जय हो। मेरा सभी देशवासियों को एक ही संदेश है कि सभी मास्क लगा करके रहे, दो गज की दूरी बना करके रखें और अपने घर पे ही रहें, तभी कुछ सुरक्षित रह सकते हैं। तो मेरा सभी से केवल एक ही कहना है कि दो गज की दूरी तो मास्क है जरूरी, ये पालन आपको करना है और आपके घर रह करके ही प्रभु का ध्यान धरते हुए अपने जीवन को यापन करना है। क्योंकि ये जो कोरोना काल से जो हमारा देश जूझ रहा है, ये ऐसी बीमारी है, ये ऐसा वायरस है कि दुनिया को खटक रहा है। तो मेरा तो केवल एक ही कहना है कि दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और दूरी बना करके रखें और सभी अपने अपने घर करें, लॉकडाउन का पालन करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। भाई योगेश जी अपने विचार रखें।